बीच अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कुछ सीटें शेष रह गई थी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से द्वितीय चरण की सूची के अंतर्गत। आपको बता दें कि कुछ सीटें शेष रही थी, उनमें से कई सीटों पर बदलाव करते हुए बीएसपी ने 6 सीटों का ऐलान कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आधिकारिक तौर से इसका ऐलान किया है। कुछ सीटों पर परिवर्तन किया गया है तो कुछ सीटों पर आपको बता दें कि नए कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। बीएसपी ने दूसरे चरण की 51 सीटों पर पहले जारी किए थे और अब 6 सीटों की ओर प्रत्याशी सूची की गई है जिसमें कुछ बदलाव करके जारी किया गया। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी चुनाव 2022 के लिए 6 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और इस लिस्ट में दामपुर से सपा से शामिल हुए मूलचंद्र चौहान को बसपा का टिकट मिला है। कुंदरगी से भी समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद रिजवान को बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। नवाबगंज से आपको बता दें कि यूसुफ खान बीएसपी प्रत्याशी है। फरीदपुर से शालिनी सिंह, बरेली से ब्रह्मानंद शर्मा को बीएसपी का टिकट मिला है। साथ ही ददरोल से चंद्र केतु मौर्य को बसपा का टिकट मिला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर।